أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. उन कलम की और जो अहले कलम लिखते हैं उसकी कसम ए मोहम्मद अलैहि सल्लाम तुम अपने परवरदिगार के फजल से दीवाने नहीं हो तुम्हारे लिए बे अज़र है तुम्हारे अख़लाक बड़े आली हैं सो करीब तुम भी देख लोगे और ये काफिर भी देख लेंगे की कौन दीवाना है तुम्हपरवर दिगार उसको भी खूब जानता है जो उसके रस्ते से भटक गया और उनको भी खूब जानता है जो सीधे रस्ते पर चल रहे हैं तुम झुटलाने वालों का कहा ना मानना ये लोग चाहते हैं कि तुम नरमी इख्तियार करो तो ये भी नर्म हो जाए और कैसे शख्स के कहे में ना आ जाना जो बहुत कसमे खाने वाला जलील औकात है तामेज इशारते करने वाला चुगलियां लिए फिरने वाला मन में बुखल करने वाला हद से बड़ा हुआ बदकार खू और इसके अलावा बदजात है सबब से के माल और बेटे रखता है जब वो हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहता है कि ये अगले लोगों के अफसाने हैं हम करीब उसकी नाक पर दाग लगाएंगे हम लोगों की इसी तरह आजमाइश की है जिस तरह बाग वालों की आजमाइश की थी जब उन्होंने कस्में खा खा कर कहा कि सुबह होते होते हम इसका मेवा तोड़ लेंगे और अल्लाह न कहा वो अभी सो ही रहे थे कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से रातों रात उस पर एक आफत फिर गई तो वैसा हो गया जैसे कटी हुई खेती सुबह हुई तो वो लोग एक दूसरे को पुकारने लगे कि अगर तुमको काटना है तो अपनी खेती पर सवेरे ही जा पहुंचो तो चल पड़े और आपस में चुपके चुपके कहते जाते थे कि आज यहां तुम्हारे पास कोई फकीर ना आने पाए और कोशिश के साथ सवेरे ही जा पहुंचे गोया खेती पर कादिर है जाग को देखा तो वीरान कहने लगे कि हम रास्ता भूल गए हैं नहीं बल्कि हम बरगश्ता बख्त बेनसीब हैं एक जो उनमें फरजाना था बोला क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम तस्वीर क्यों नहीं करते वो कहने लगे कि हमारा परवरदिगार पाक है बेशक हम ही कसूरवार थे लगे एक दूसरे को रू दर रू मलामत करने हाये शामत, हम ही हद से बढ़ गए थे उद है कि हमारा परवरदिगार इसके बदले में हमें इससे बेहतर बाग इनायत करे हम अपने परवरदिगार की तरफ रुजू लाते हैं देखो अजाब यूं होता है और आखिरत का अजाब इससे कहीं बढ़कर है काश ये लोग जानते होते गारों के लिए उनके परवरदिगार के यहाँ नियमत के बाग हैं क्या हम फरमा बरदारों को नाफरमानों की तरह नियमतों से महरूम कर देंगे क्या हो गया है कैसी तजवीजें करते हो तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें ये पढ़ते हो कि जो चीज तुम पसंद करोगे वो तुमको जरूर मिलेगी यानी हमसे कस्में ले रखी हैं जो कयामत के दिन तक चली जाएंगी कि जिस शे का तुम हुक्म करोगे वो तुम्हारे लिए हाजिर होगी उन पूछो कि उनमें से इसका कौन जिम्मा लेता है क्या इस कौल में उनके और भी शरीक हैं अगर ये सच्चे हैं तो अपने शरीकों को ला सामने करें जिन पिंडली से कपड़ा उठा दिया जाएगा और कुफार सजदे के लिए बुलाए जाएंगे तो वो सजदा न कर सकेंगे कि आंखें झुकी हुई होंगी और उन पर जिल्लत छा रही होगी हालांकि पहले उस वक्त सजदे के लिए बुलाए जाते थे जबकि सही और सालिम थे कुछ को इस कलाम के झुटलाने वालों से समझ लेने दो हम उनको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे तरीक से पकड़ेंगे कि उनको खबर भी न होगी और उनको मोहलत दिए जाता हूँ मेरी तदबीर कवि है क्या तुम तो उनसे कुछ अजर मांगते हो कि उन पर तावान का बोझ पड़ रहा है या पास है के पास गैब की खबर है कि उसे लिखे जाते हैं तो अपरवर्दिगार के हुक्म के इंतजार में सब्र किए रहो और मछली का लुकमा होने वाले यूनुस की तरह न होना कि उन्होंने खुदा को पुकारा और वो गम गुस्से में भरे हुए थे अगर हमारे परवरदिगार की मेहरबानी उनकी यावरी न करती तो वो चटियल मैदान में डाल दिए जाते और उनका हाल अबतर हो जाता परवरदिगार ने उनको बरगुजीदा करके नयक उकारों में कर लिया काफिर जब ये नसीहत की किताब सुनते हैं तो यूं लगते हैं कि तुमको अपनी निगाहों से फुसला देंगे और कहते हैं कि ये तो दीवाना है और ओगो ये कुरान अहले आलम के लिए नसीहत है